हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त राजा और आप देख रहे हैं आपका ही प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट बाबा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो IRFC है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये करती क्या है, ये कहां से इनकम जनरेट करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसके बिजनेस को बारीकी से समझेंगे। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस बिजनेस मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए इन्वेस्टमेंट बाबा चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबा के ऑल के बटन पे क्लिक कर दे ताकि मेरी वीडियोस की आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का बिजनेस मॉडल क्या है। तो सबसे बड़ा दोस्तों, जो मैं बता दूं इसका बिजनेस मॉडल, जहां से इसको सबसे ज्यादा इनकम आती है, वो क्या करती है, अपने एसेट्स को लीज पे दे देती है इंडियन रेलवे को। लीज पे देने का मतलब दोस्तों, पहले मैं बता दूं ये कहां से क्या करती है। ये जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है, कैसे भी मनी मार्केट से पैसा इकट्ठा करती है, चाहे वो बॉन्ड्स इश्यू करे, चाहे वो शेयर्स इश्यू करे, चाहे वो बोरोविंग्स ले, किसी तरह से मनी मार्केट से पैसा इकट्ठा करती है इंडियन रेलवे के लिए और तब ये उससे एसेट्स खरीदती है उन पैसों से, जैसे वैगन, ट्रक्स, फ्लैट्स, कोचिस, इस तरह के जो एसेट्स हैं ये खरीदती है, बनाती है और फिर इसको क्या करती है, इंडियन रेलवे को लीज पे दे देती है। लीज पे देने का मतलब दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती है, लगभग 15 से 30 इयर्स के लिए ये इंडियन रेलवे को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती है कि इतने समय के लिए तुम रखो और इतने समय का उनको पैसा मिल जाता है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों लीज पे दे देना। तो इसका सबसे बड़ा इनकम आता है एसेट्स को लीज पे देकर, और दूसरा इनकम ये इंडियन रेलवे को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसको पैसा लोन देती है और वहां से इंटरेस्ट कमाती है। दोस्तों, जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इसका एक बेनिफिट हमें मिल जाता है, ये टोटली पब्लिक सेक्टर यूनिट है, यानी ये पूरा गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। इसका ओनर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका ओनर है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनर है। तो दोस्तों, इसकी जो मार्केट में मोनोपोली है, क्योंकि जो इंडियन रेलवे को जो सर्विसेज देने वाली है सिर्फ यही कंपनी है और कोई नहीं है। तो दोस्तों, इसी का हमें बेनिफिट मिल जाता है। दूसरी जो तीसरी बात मैं बताऊं दोस्तों, ये बहुत ही एक्सपीरियंस है इस जो कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को, ये शुरू से ये इंडियन रेलवे को सर्विसेज देते आ रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस बिजनेस मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए जरूर दोस्तों इन्वेस्टमेंट बाबा चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अपने नेक्स्ट।